अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से हम मिल कर करके अपनी बात को रखेंगे। हम अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, हम अपनी सुरक्षा के लिए उनसे मांग कर रहे हैं। अभी हम समय ले रहे हैं, डीजीपी से अगर समय मिल जाएगा तो मिलने जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आरजेडी के महुआ के विधायक मुकेश रोशन को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मुकेश रोशन है। मुकेश रोशन जी, क्या आपको वाकई में धमकी दी गई है जान से मारने की? देखिए, कल रात में जो है 11:21 पर कई बार कॉल आया। हम जब कॉल उठाए तो उसके बाद से जो है वो भद्दी भद्दी गालियाँ और जान से मारने की धमकी दे रहे थे। हमने कई बार उनको प्रयास किया समझाने बुझाने का कि कोई बात है तो बताओ, अगर हमसे कहीं कोई बात हुआ है तो। लेकिन इस तरीके से लगभग हमको लगता है कि 8-10 बार कॉल किया गया और 3-4 बार हमसे बात हुई है, जिसकी सूचना हमने वैशाली SP को दिया। और उसके बाद से सुबह से हम DGP से कई बार बात करने का प्रयास किए हैं, लेकिन अभी बात नहीं हो पाई है। हम DGP से भी मिलने का प्रयास करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी यादव जी जो उप मुख्यमंत्री हैं उनसे भी मिल कर करके हम अपनी बात रखेंगे, क्योंकि पूर्व में भी मेरे परिवार में कई घटनाएं हो चुकी है। मेरे पिताजी सहित 2 लोगों की हत्या वर्ष 1993 में हाजीपुर में हो गई थी। तो पूरा परिवार जो है कल से सहमा हुआ है, चूँकि ठीक है मैं एक विधायक हूँ, मेरे पास सुरक्षा है, लेकिन अगर कोई बात अगर कहीं हो जाती है, हम लोग रात दिन सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं, बाहर आना जाना रहता है, तो उस क्रम में अगर कोई घटना हो जाए तो इसके लिए हम लोग सतर्क हैं। और पुलिस प्रशासन से हमने गुहार लगाया है कि भाई जो हमारे पास जो फ़ोन आया उसकी जांच करें और उस पर कानूनी कार्रवाई करें। क्या कहा था आप फ़ोन करने वाले ने? बेसिकली देखिए, वो जान से मारने की धमकी दे रहे थे और गाली क्लोज कर रहे थे। अब चूंकि मेरे पास तो रिकॉर्डिंग है नहीं जो हम रिकॉर्ड करके आपको रखें, लेकिन कई बार फ़ोन किया गया और हम जस्ट सोए ही थे, उसी समय से बार बार कॉल आने लगा। तो हम देखे कि कोई मजबूरी होगा, किसी का कोई संजोग बस कभी किसी का मेडिकल का प्रॉब्लम रहता है इमरजेंसी, तो हम लोग मोबाइल ऑन रखते हैं कि क्षेत्र का समस्या हो या कहीं अगल बगल का कोई बात हो तो उसके लिए मोबाइल ऑन रखते हैं। लेकिन उसका मिसयूज़ कर रहा है लोग, रात में फ़ोन कर करके और गाली गलौज करना, और जबकि हमारे से कभी किसी का दुश्मनी नहीं रहा। तो हो सकता है कि कहीं कोई को अगर सामाजिक जीवन में कहीं किसी से कोई बातचीत तो ऐसा है नहीं जो हमको लोग धमकी देगा, लेकिन हमको जो कल से ये कर रहा है 7-8 बार 10 बार जो है हमारे पास कॉल आया। क्या DGP से भी मिलने जा रहे हैं इस मुद्दे को? बिल्कुल, हम अभी पत्र लिख रहे हैं और उनसे मिलेंगे भी। अभी 2-3 बार हम कॉल किए लेकिन अभी हमारी बात नहीं हो पाई। हाँ, लेकिन कह रहे हैं कि जिस तरीके से धमकी दी गई, आप क्षेत्र में ही रहते हैं तो क्या आप क्षेत्र जा रहे हैं या पोस्टपोन है जब तक आप पकड़ा ना जाए? तो जाएंगे ही, क्षेत्र तो जाना वो मेरा कार्य है, उसको करेंगे ही, लेकिन हम पुलिस प्रशासन से मांग करेंगे कि मुझे एवं मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान करें, ताकि कम से कम हम लोग निर्भीक होकर बिहार में जो सुशासन का राज है उस पर कायम रहे। विधायक वाली सुरक्षा तो मिली हुई है आपको? बिल्कुल, हमारे पास सुरक्षा है, विधायकों को जो सुरक्षा दिया जाता है वो है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि हमारे एवं हमारे परिवार के लोगों को सुरक्षा प्रदान करें। चलिए, ये थे महुआ के RJD के विधायक जो कि अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षा मांग रहे हैं। सुरक्षा इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि कल देर रात इन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।